तो सपना था कि भाई मतलब हम 2016 से मैं फॉलो कर रहा हूँ लल्लन टॉप पेज को, जब फेसबुक पेज से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ। और हाँ मतलब मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ सौरभ भैया से, लेकिन मैं पेज के बारे में 2016 दिल्ली में ऑफिस में गया था तब से जानता हूँ। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है यार, जहाज पकड़ के सुबह सुबह आए, शुरू में ही तारीफ कर दिया गया। तो हमारे लिए भी ये बहुत मतलब प्राउड मोमेंट है कि मतलब हम लोग को मौका मिला है। और हम सारे कुछ एक्टर्स हैं जो एक रघुवीर सर शूट कर रहे थे, वरना वो आज वो भी काफी उन्होंने बोला यार, He is an institution, मतलब आप हमारी उनसे सिफारिश करिएगा। हमारा एक प्रोग्राम होता है 2.5 से 3 घंटे का, उसका नाम है बरगद। जैसे वट वृक्ष होता है ना, एक तो आपका लिंगो कूल लिंगो वाला वट है, एक वट वृक्ष जो होता है रघुवीर भाई वो है। वो तो उन्होंने जो मेहरून निसा लिखी है, किससे सुने कि नहीं आपने? किससे नहीं सुने, मैं तो आपको अपनी मेमोरी बता रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन और वो तो है, उनकी एक स्क्रिप्ट है मेहरून निसा, उनसे पूछिएगा, अद्भुत है वो। और वो जो गाते हैं लिखते हैं और जीवन जैसा बीता उन पे तमाम हादसों के बावजूद जी, तो बड़े कमाल। जो सेट पे भी सर वो मतलब वैसा रहता है कि पेड़ के नीचे जाके बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, हाँ मतलब ऐसा नहीं मैं वैनिटी में नहीं जाऊंगा, उसमें नहीं बैठूंगा, वो दो लोगों को कुर्सी पे लेके कोने में पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाते हैं, साक्षात चिल है। जो उनके घर जाइए वहाँ पे कितने सारे ऐसे बांस वास के कुछ बल्ले पड़े होते हैं जिससे वो काट काट के बनाते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट भी करते हैं, और अच्छा इन्वेंट भी करते हैं, वो बनाते हैं नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर पे। और मतलब मेरी तो मेमोरी पहली जो मैं भाई सौरभ भाई को बता रहा था कि जो पहला एक्टर जो मुझे याद है बचपन में, तो दूरदर्शन के टाइम पे, उससे आप लोगों को हमारी हम मेरी उम्र का अंदाजा लग ही गया होगा। तो तो मुल्ला नसरुद्दीन करके एक टीवी सीरियल आता था दूरदर्शन पे, जिसमें एक आदमी गधे पर सवार होकर के जाता था और एडवेंचर्स करता था, और वो रघुवीर यादव सर थे। वो पहला एक्टर है जिसे मैं पहचानता हूँ। और सांस करके एक सीरीज आई थी जो नीना मैडम उसमें थी, तो मेरे लिए तो ये मतलब मैंने दीपक और चंदन को भी बोला था कि मेरे लिए ये चाइल्डहुड ड्रीम फुलफिल्ड है कि रघुवीर सर एक ऐसी चीज़ में आए जो कि हम लोग ने बनाया। और मतलब दिस इज आई थिंक वी थैंक यूनिवर्स फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स रघुवीर सर को तो मतलब साष्टांग दंडवत। एकदम डार्लिंग आदमी है, एकदम डार्लिंग, आपने बोला साक्षात चिल, बिल्कुल तो बिल्कुल वही है वो। एनर्जी उनकी अभी भी एकदम मतलब ऐसा है कि इस एज में भी वो कुर्सी पे चढ़ जाएंगे, टेबल पे चढ़ जाएंगे, वहां से कूद जाएंगे रघुवीर सर। अगर एक्टिंग करने के लिए अगर एक्टिंग करने के लिए बोला जाए तो वो कहते हैं ये सारी चीजें। और बहुत कम लोगों को पता होगा वो 70 साल के हैं। मैं वही बोल रहा था, 60 का पाठा भी पार कर चुका है, 70 साल के हैं और आदमी टेबल से टप्पा कूद जाता है नीचे। तो कितना सुंदर वाक्य प्रयोग है, टेबल से टप्पा कूद जाता है, एकदम बिल्कुल हमको ऐसे गिर के और उछलते और एक एक एपिसोड है इसमें सांप वाला सेकंड सीजन में, उसमें वो दिखता है कि लोग टेबल पे चढ़े हैं, सब चीज किया उन्होंने, बहुत अच्छे से किया था। और एनर्जी तो खैर स्क्रीन पे अपेरेंट है, वो तो छुपता ही नहीं है उनका। नीना मैडम को कोविड है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है माइल्ड फीवर है। आपने हमको वो ऑडियो सुनाया था, वो बताइए ना। हाँ तो मतलब उन्होंने परसों मुझे और दीपक को, हम साथ बैठे हुए थे, आई थिंक हम दोनों को एक छोटा मैसेज भेजा और उसमें वॉइस नोट भेजा कि मतलब, और सुन के हम इतने खुश हुए कि अरे अरुणाब सो प्राउड ऑफ पार्ट ऑफ बीइंग ऑल ऑफ यू हैव मेड सच एन अमेजिंग शो। उन्होंने तसल्ली से अभी देखा है शायद, क्योंकि आप शूट कर रहे होते हो, प्रमोशन में टाइम नहीं मिलता है, और वो बोली कि मतलब मज़ा आ गया, सब कुछ है, और दीपक और चंदन का काम और इतना मतलब एक सुकून से, जब एक कलाकार, और ये वो कलाकार है जिनकी हमारे माँ बाप भी फैन है, मतलब हमारे माँ बाप भी इनको मतलब होता ना कि मतलब उस तरह से, तो मतलब हमारे पेरेंट्स भी हैप्पी हैं कि अच्छा हमने काफ़ी हमने जो है सो, तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू देम, आई थिंक स्पेशली बोथ ऑफ देम हु आर द मोस्ट सीनियर मोस्ट एक्टर्स।